ये कहानी एक ऐसे राइटर के बारे में है जिसे हर दिन एक नई औरत चाहिए रहती है अपने अंदर की आग बुझाने के लिए। तो फ्लैशबैक में हम जोई नाम के एक राइटर को देखते हैं जो कि एक बीच पे बैठा होता है। उसके ठीक सामने एक अकेली लड़की भी बैठी हुई होती है जिसका नाम है कैथी। इसी दौरान दोनों की निगाहें मिलती है और जोई सीधा जाके कैथी से बात करने को अप्रोच करता है। कैथी भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और थोड़ी ही देर में दोनों में दोस्ती हो जाती है। जोई से पहले कैथी की एक डैनियल नाम के प्लम्बर से रिलेशन थी, मगर डैनियल एक शादीशुदा आदमी था इसीलिए उनकी रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जोई एक और चार्मिंग आदमी था जिसे थोड़ी देर बात करने के बाद कैथी उसे पसंद करने लगती है और उसके मन में नई उम्मीदें जगने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और इसी बीच दोनों काफी बार लव लपाटा भी करते हैं। जोई एक यंग राइटर था जो कि एक नॉवेल लिखना चाहता था। इसके अलावा ना उसके पास कोई काम था न रहने के लिए घर, इसीलिए कैथी उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। मगर जोई के पास कोई इंस्पिरेशन या टॉपिक नहीं था नॉवेल लिखने के लिए। जब कैथी दोनों को गुजारा करने के लिए ऑफिस में काम करती थी तब जोई दिन भर टाइपराइटर के पास बैठकर सिगरेट और अल्कोहल पीकर अपना टाइम बात करता था। काम के बाद जब कैथी घर आके उससे बात करने की कोशिश करती थी तब वो सारा भड़ास उसके ऊपर निकालता था। इसी चीज को लेकर कैथी और उसके बीच में एक दिन भारी लड़ाई हो जाती है जिसके बाद जोई उसका अपार्टमेंट छोड़कर चला जाता है और अपना टाइपराइटर नदी में फेंक देता है। यहाँ उसका मुलाकात लेस नाम के एक आदमी से होता है जो उसे अपने बोट में काम करने का ऑफर देता है। दोस्तों लेस बोट में अपनी वाइफ एला और बेटा जेम के साथ रहता था। जोई उसके साथ बोट में काम करने के लिए मान जाता है और उनके साथ बोट में रहने लगता है। यहाँ काम करते हुए अक्सर जोई कैथी से मिलने जाता था। वो लोग नदी के किनारे अक्सर एक ट्रक के गैरेज में मिलते थे और एक दिन उसी नदी के किनारे दोनों खपा खप करते हैं जिसके दौरान कैथी उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर जोई उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है और दोनों के बीच में बहस होती है। जोई उठ के वहां से जाने लगता है और कैथी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर अचानक उसकी पैर फिसल जाती है और वो नदी में गिर जाती है। कैथी को तैरना नहीं आता है जिस वजह से वो डूबने लगती है। अंधेरा होने के कारण जोई भी पानी में कैथी को ढूंढ नहीं पाता। बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके बैग से अपनी फिंगरप्रिंट मिटा के नदी में फेंक देता है और कपड़ा एक ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जाती है और मूवी की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगली सुबह जब जोई नदी के किनारे बोट के पास बैठा होता है तब कैथी की लाश उसे तैरती हुई मिलती है। ये देख कर तुरंत लेस और जिन कैथी की लाश को नदी से निकालते हैं और पुलिस को इस बारे में खबर करते हैं। लाश को देख के जोई को कैथी के प्रति संवेदना तो होती है पर वो किसी को बताता नहीं कि वो कैथी को पहचानता है, मगर ये संवेदना बस कुछ ही दिनों के लिए था क्योंकि उसके मरने के बस कुछ ही दिनों के बाद जोई की नजर लेस की पत्नी एला पे पड़ती है और वो उसे चोरी छुपे देखने लगता है। हालांकि लेस और एला पति पत्नी थे मगर दोनों की शादीशुदा जिंदगी में प्यार एकदम से खत्म हो चुका था। लेस एक अल्कोहलिक था जो अपना ज्यादातर पैसा जुए में उड़ा देता था और ज्यादा शराब पीने के कारण एला के साथ घपा घप नहीं कर पाता था। इसका फायदा उठा के जोई एला का मन बहलाने लगता है। अपने पति से घपा घप ना मिलने के कारण एला भी धीरे धीरे जोई के प्रति ढलने लगती है। और एक रात जब लेस जिन को लेके एक मेले में गया हुआ था तब दोनों मिलकर घपा घप करते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि दोनों लेस के पीछे से फ्रीक्वेंटली बिस्तर गरम करते हैं और दोनों को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि लेस को इसके बारे में पता चल जाएगा। एज अ रिजल्ट कुछ ही दिनों बाद लेस उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब वो इसके बारे में जोई को कन्फ्रंट करता है तब जोई कहता है कि वो इन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाएगा, मगर लेस इतना अपसेट होता है कि वो खुद दोनों को बोर्ड पर छोड़ के चला जाता है। बाद में एला और लेस फिर से एक जगह में मिलते हैं जहाँ एला उसे डिवोर्स की बात करती है। इसके बाद जोई और एला एक साथ उसी बोर्ड पर रहने लगते हैं। एला अब जोई से शादी करना चाहती है। ये बात से जोई खुश नहीं था क्योंकि एला के साथ उसका संबंध सिर्फ खपा खप के लिए था। एक दिन एला को उसकी बहन ग्वेन का लेटर मिलता है कि उसके पति का देहांत हो गया है। तब एला और जोई से मिलने जाते हैं। एला अपनी बहन को संवेदना देती है और कुछ दिन उनके साथ बोट में बिताने के लिए कहती है ताकि वो अपने पति के मरने के गम से उभर सके, मगर यहाँ भी ग्वेन जोई का स्वैग देख के उस पे फिदा हो जाती है। और एक दिन दोनों फिल्म देखने के बहाने बाहर जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और एक सुनसान सड़क पे शुरू हो जाते हैं। और इवेंचुअली ऐसे ही एक दिन एला को उनके गुफ्तगू के बारे में पता चल जाता है और वो भी अपने पति की तरह बोट छोड़ के चली जाती है। अब ग्वेन भी उसे नहीं रोकती क्योंकि बोट पे उनके प्यार की गहराई को नापने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब जोई को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और वो भी बोट छोड़ के चला जाता है। बेचारा बोट, उसकी क्या गलती है, सब उसको छोड़ के जा रहे हैं। एनीवे, अब इसके बाद जोई बार में एक आदमी से मिलता है जो उसे कम पैसे में अपने घर में रहने का ऑफर देता है। जोई मान जाता है और वो जोई को अपनी बीवी से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उसका बहुत बड़ा गलती था। एज एक्सपेक्टेड जोई भाई का यहाँ भी जलवा चलता है और वो आदमी के काम पे जाते ही वो उसकी बीवी के साथ इश्क लड़ाता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। एनीवे, अब ये सब के बीच में कैथी मर्डर केस का ट्रायल आता है और लेस और जोई को कोर्ट में गवाही देने का बुलावा आता है क्योंकि ये दोनों ने ही पहले लाश को देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस ने एज अ सस्पेक्ट डैनियल को पकड़ा है। दोस्तों अगर आपको याद हो, डैनियल वही प्लम्बर है जो जोई से पहले कैथी का बॉयफ्रेंड था। उस पे कैथी के साथ जोर जबरदस्ती करने का और उसे गर्भवती बनाने का और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और बाद में कोर्ट सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस आरोप की पुष्टि भी कर देती है। कोर्ट में बैठा जोई
ये जानता था कि डैनियल निर्दोष है मगर वो चुप रहता है। वो कोर्ट को एक अननोन चिट्ठी लिखता है कि कैथी की मौत एक एक्सीडेंट थी और डैनियल निर्दोष है, मगर कोर्ट ये लेटर को अनदेखा कर देती है और डैनियल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि डैनियल के जोय को हमदर्दी होता है, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। मूवी के अंत में जोय उसी क्ले नदी के पास जाता है और पानी को कुछ देर घूरने के बाद शायद अपने अगले शिकार की खोज में निकल पड़ता है। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।